हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है चेन लॉक। एंड चेन लॉक पे हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं, कौन सा चेन लॉक आपको यूज करना चाहिए। एंड चेन लॉक के वैसे भी बहुत सारे ऑप्शन जो है ना मार्केट में अवेलेबल है, एंड आपको कौन सा बाय करना चाहिए वो हम वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें चेन लॉक एक्चुअल में यूज क्यों करना चाहिए, कई लोगों को इसके लिए भी डिटेल जो है ना वो क्लियर नहीं है। दोस्तों चेन लॉक लगता है लोगों को कि जो स्प्रोकेट और चेन में जो फ्रिक्शन होता है ना उसको कम करने के लिए जो है वो चेन लॉक यूज़ किया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चेन पे जो एक्चुअली रस लगता है ना उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो चेन लॉक यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों इसके लिए प्रोडक्ट जो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट भी हैं, कुछ जुगाड़ भी हैं, जैसे गियर ऑयल जो है, इंजन ऑयल, इन सब से भी आप जो है चेन लॉक कर सकते हैं। कई लोग डीजल और कैरोसिन से भी चेन क्लीनिंग करते हैं, तो ये सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल भी हैं। बट ये ऑप्शन के अलावा दोस्तों बाकी चेन लॉक भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो इनमें से कौन सा बेटर है, कौन सा सही है, इस पे हम बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इंजन ऑयल, गियर ऑयल, इन सब से जो है चेन लॉक करके दिखा रखा है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। दोस्तों अभी अगर हम बात करें नीचे से ऊपर, मतलब मेरा वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर सबसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो मोटोरोला C1 C2 बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। एंड अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सा चेन लॉक यूज़ करना चाहिए, तो मैं टोटली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है मोटोरोला C1 C2 यूज़ करिए। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, आराम से 500 किलोमीटर तक जो है चेन को अच्छे से प्रॉपरली लूब रखता है। एंड इसका C1 C2 चेन को क्लीन भी सही से करता है, C1 जो है इसका। एंड अगर हम बात करें 3M की चेन लॉक के बारे में, तो ये चेन लॉक भी दोस्तों मोटोरोला की तरह ही वर्क करता है, इसकी क्वालिटी भी सेम टू सेम मोटोरोला जैसी है। ये भी 500 किलोमीटर तक आराम से जो है आपका चेन को लूब रखता है एंड प्रोटेक्ट भी रखता है। इसका भी जो है चेन क्लीनर, चेन लूब साथ में आता है। एंड दोस्तों अब थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो मुझे लगता है कि कैस्ट्रोल का जो चेन लूब है वो मुझे बहुत ही सही लगा। ये लूब मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया था, एंड इसका जो चेन लूब का जो ड्यूरेशन है वो भी आराम से 600-700 किलोमीटर तक जो है आराम से रेंज भी देता है एंड अफोर्डेबल प्राइस में भी है। एंड अब इसके बाद में जो है सेंसिटिक ग्रेस भी आने लगी है, वाइट ग्रेस या फिर सेंसिटिक लूब बोलते हैं जिसको, वो सब ग्रेसेस भी आते हैं, अलग अलग ब्रांड के आते हैं। दोस्तों मैं इसमें कहूँगा कि आप अगर आप रोल ऑन का जो वाइट वाला जो ग्रेस यूज़ करते हैं ना वो बहुत ही सही आता है, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इवन ऐसे जो सेंसिटिक लूब होते हैं ये भी आराम से आपको 800-900 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं एंड आपको बार बार जो है लूब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों अगर बात करें चेन लॉक के टॉप ऑप्शंस की, तो उसमें मेरे पास दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट जो है दोस्तों TRM का चेन लॉक, इसमें चेन क्लीनर, चेन लॉक अगर आप साथ में यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म मिलता है। एंड दोस्तों 1000 किलोमीटर का एक अच्छा रेंज मिल जाता है, तो आपको बार बार चेन लॉक करने की जरूरत नहीं है। मंथ में अगर आप एक बार भी करते हैं या 45 डेज में भी एक बार करते हैं तो चल जाता है आराम से एंड अफोर्डेबल प्राइस में भी है। मिनी पैक में भी आता है, बड़े पैक में भी आता है, तो पहले मिनी पैक ट्राई करिए उसके बाद ही बड़ा पैक मंगाइए। मैंने इसका इनिशियल रिव्यू और लॉन्ग टर्म रिव्यू दोनों ही बनाया हुआ था एंड मैंने एक्चुअल में ट्राई करने का मुझे फील हुआ कि बहुत सही प्रोडक्ट है। एंड एक और मेरा पिकअप है, टॉप पिकअप, वो है मोटोरोला का C5 जो चेन लॉक बेस्ड आता है, वो भी बहुत सही है। एंड दोस्तों उसमें भी आराम से आपको 1200-1500 की रेंज मिल जाती है एंड चेन अच्छे से प्रोटेक्ट भी रखता है, बट उसको थोड़ा क्लीन करना थोड़ा मैसी है। बाकी बहुत ही सही प्रोडक्ट है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बट इंडिया में इतना इजीली नहीं मिलता है, शॉप पे भी इतना इजीली नहीं मिल पाता। अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको ट्राई करिए, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ये तो बात हुई दोस्तों ये ऑप्शंस की, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं चेन लॉक के। अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, आप कौन सा चेन लॉक ट्राई करते हैं वो भी मुझे मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको चाहिए कि गियर ऑयल से कैसे चेन लॉक किया जाता है, इंजन ऑयल से कैसे चेन लॉक किया जाता है और कैसे चेन क्लीन किया जाता है, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उस पर वीडियो बनाएंगे। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करिएगा, ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो है और कुछ वीडियोज़ का लिंक जो है आपको डेफिनेटली मिल जाएगा ऑफर। ख्याल रखें, ध्यान रखिए और देखते रहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके आते रहेंगे। बाय।